इन दिनों चाइना में बड़ी बड़ी फिल्में झंडा गाड़ रही हैं। हाल ही में चीन में आमिर और सलमान की फिल्मों ने सफलता के कई रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन अब जनाब इरफान खान साहब, जो पिछले कुछ टाइम से लगातार चर्चाओं में हैं, ये भी रवाना हो रहे हैं चीन के लिए। पर आखिर क्यों, ये भी जानिए। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। चाइना में आमिर और सलमान की फिल्मों की सफलता के बाद अब इरफान खान की फिल्म हिंदी मीडियम चीन में 4 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है। जी हाँ, चीन में विदेशी फिल्मों को प्रदर्शित किए जाने को लेकर एक निश्चित संख्या निर्धारित कर दी गई है, जिसके तहत हर साल कुछ ही विदेशी फिल्में चीन में रिलीज हो पाएंगी। लेकिन इन सबके बीच भारतीय फिल्मों की उपस्थिति बढ़ रही है चाइना में। बता दें कि सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान भी चीन में कुछ वक्त पहले ही रिलीज हुई और फिल्म चीनी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वहीं इरफान की पिछले साल रिलीज हुई फिल्म हिंदी मीडियम की बात करें तो इस फिल्म की कहानी भारत की शिक्षा प्रणाली पर आधारित है। यह फिल्म पिछले साल भारत में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को काफी पसंद आई थी। फिल्म में इरफान के साथ पाकिस्तानी एक्ट्रेस सबा कमर लीड रोल में है। इस फिल्म के रिलीज के लिए चीनी अधिकारियों ने मुख्य पोस्टर के बजाय फिल्म के टीजर पोस्टर का विकल्प चुना। जी हाँ, टी सीरीज के निर्माता भूषण कुमार ने जारी बयान में कहा, इस कहानी में एक अद्वितीय मोड़ है। हिंदी मीडियम का कंटेंट बेहतरीन है और यहाँ इरफान एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय प्रतिभाशाली कलाकार है। हिंदी मीडियम फिल्म का डायरेक्शन साकेत चौधरी ने किया था, लेकिन अब इरफान खान साहब की फिल्म हिंदी मीडियम 4 अप्रैल से चाइना में रिलीज होने वाली है। काफी उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म भी बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली है और कई रिकॉर्ड्स भी बना सकती है चाइना में। बहरहाल आपको बताते चलें कि इन दिनों इरफान खान साहब चर्चाओं में हैं अपनी गंभीर बीमारी की वजह से। हालांकि उनकी गंभीर बीमारी कौन सी है इसके बारे में अभी किसी को पता नहीं है। भले कितने भी कयास लगाए गए कि उन्हें ब्रेन कैंसर है, पर इसका खंडन हो चुका है। दरअसल कुछ टाइम पहले इरफान ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, काफी परेशान हैं। कुछ ही दिनों में वो इसका खुलासा करेंगे, लेकिन अब तक इस बात का पता चल नहीं पाया है कि आखिर इरफान को हुआ क्या है, कौन सी बीमारी से वो पीड़ित हैं। लेकिन इसी बीच ये खबर जरूर है कि इरफान की हिंदी मीडियम चाइना में प्रदर्शित होने जा रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।